नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सैक्रोइलियक जॉइंट पेन के बारे में। सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होता है? जो हमारी स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, वो जो हिप बोन से जॉइंट बनाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं मॉडल में कि जो हमारी स्पाइन है, जो सैक्रम पार्ट होता है, वो हिप बोन की इलियम बोन से जो जॉइंट बनाता है, इसको बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। तो जो हमें पेन होता है जनरली, जहाँ हम कमर की बेल्ट बांधते हैं, हमें एग्जैक्टली उसी जगह एक पेन फील आता है। ये पेन राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ये पेन कभी कभी लोकलाइज भी होता है और ये पेन कभी कभी रेडिएट भी होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट पेन होने की काफ़ी सारे वजह होती है, जैसे कि आर्थराइटिस, कोई पुरानी इंजरी, हिस्ट्री ऑफ फॉल, ज़्यादातर लॉन्ग सिटिंग, जिनका ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क होता है लॉन्ग सिटिंग में, उनमें भी ये पेन होने के चांसेस होते हैं, या ओबेसिटी, ओवरवेट की वजह से भी यहाँ ये पेन होने के चांस होते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिन्हें कर आप SI जॉइंट पेन से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। SI जॉइंट पेन ठीक करने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से घुटनों पे और हाथों पे आ जाना है। इस वाली पोजीशन को मेंटेन करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक टॉवल को इस तरह से 3-4 फोल्ड बनाकर और घुटने के नीचे लगाना है, एक पैर के घुटने के नीचे लगाना है, और इसे इसी पोजिशन रखते हुए आपको पीछे पूरा आके AD पे बैठ जाना है। जो नमाज वाला पोस्चर होता है, आपको उस तरह से पूरा टिक जाना है और सिर को जितना हो सके अंदर लेके आएंगे, एल्बो को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। इस पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर वापस अपनी जगह आ जाएंगे। स्ट्रेच आ रहा है इसको करने पे कमर पे, ठीक है। इस तरह से आप को इस एक्सरसाइज को 5 टाइम रिपीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टॉवल को निकाल कर और आपको फिर दूसरे वाले घुटने के नीचे लगाना है। दूसरे घुटने के नीचे लगाएंगे इस तरह से, और फिर इस एक्सरसाइज को वापस से 5 बार रिपीट करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन वापस अपनी जगह जाएंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 टाइम रिपीट करना है। एक बार आपने टॉवल को इस वाले घुटने के नीचे लगाया, 5 टाइम किया, और एक बार उसको लेफ्ट वाले घुटने के नीचे लगाएंगे और 5 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिटिंग पोजीशन में आना है। इसमें आपको ध्यान रखें, जैसे आपको राइट साइड के जो SI जॉइंट है उसमें पेन होता है, तो आपको इस वाले पैर को ऊपर रखना है इस तरह से, और इसे होल्ड करते हुए दोनों हाथ को, एक हाथ को घुटने पे, एक हाथ को एंकल पे, और आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है। आपको थोड़ा सा बॉडी को आगे लेके आना है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, और आगे आ जाइए, होल्ड करेंगे, गर्दन सीधी रखिए, गर्दन कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, वापस भेज जाएंगे। ऐसा आगे करते ही आपको राइट साइड में स्ट्रेच आएगा। आ रहा है स्ट्रेच? हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये एक्सरसाइज आप दोनों पैर से करिए, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से। होल्ड करना है आगे झुक के, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको राइट साइड में पेन है, राइट साइड SI जॉइंट पे, तो आपको राइट वाले पैर को फोल्ड करना है और फिर इसे अपने दूसरे हाथ से इसे पूरा एक तरफ बेंड करेंगे। जैसे आप बेंड करोगे, आपको स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच आ रहा है। 5 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन रिलैक्स। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को 5 टाइम रिपीट करना है। आप इसे दोनों साइड से कर सकते हैं, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि आपको क्या करना है, जैसे राइट साइड में पेन है आपको, तो राइट वाले पैर को बेंड करेंगे और इसे दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे और अपने चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसे दबा के रखना है, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन धीरे धीरे से छोड़ेंगे। जितना आपके एल्बो स्ट्रेट हो जाएं, उतना आपको रिलैक्स करना है, एंड देन अगेन वापस से रिपीट करना है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 5 बार राइट वाले पैर से और फिर 5 बार लेफ्ट वाले पैर से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, जिस वाली साइड में आपको पेन है उसी पैर को घुमाकर अपोजिट पैर के घुटने, और फिर इसे जितना हो सके नीचे लाने की कोशिश करेंगे घुटने को बेड की तरफ। आप चाहें तो अपने एक हाथ से इसको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, या किसी की हेल्प लेके आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करा सकते हैं। 1, 2,
3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 5 टाइम राइट वाले पैर से करेंगे और 5 टाइम लेफ्ट वाले पैर से रिपीट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो, जयपुर, राजस्थान।